हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़े बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है इंग्लैंड क्रिकेट के हवाले से। की बड़ी खबर, इंग्लैंड क्रिकेट ने जो प्लेइंग 11 है वो पूरी तरह से तय की है। अगर बात की जाए तो डॉम बेस की जगह पर मुईन अली खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा क्रिस वोक्स को भी रेस्ट क्रिस वोक्स जेम्स एंडरसन की जगह पर, इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड को भी जगह मिलेगी जोफ्रा आर्चर की जगह। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही, तीन चेंज देखने को मिलेंगे इंग्लैंड की टीम में। अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन से बल्लेबाजी करेंगे। जो रूट, रोरी बर्न, डोमिक सिपली, डैनियल लॉरेंस, डैन स्टोक, पीप, इसके अलावा मुइन अली, जैक लीच, स्टुअर्ट ब्रॉड, क्रिस वोक्स, बेन फॉक्स, ये खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे और बाकी खिलाड़ियों को रेस्ट पहले दूसरे टेस्ट में रेस्ट दिया गया है। और दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 2 मार्च से शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अबूधाबी में दोनों टेस्ट खेले जाएंगे और 3 T20 मैच जो 15, 17 और 19 को खेले जाएंगे। लेकिन जो तीन दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ है वो 2 मार्च और 10 मार्च के दो, पहला टेस्ट 2 मार्च और दूसरा टेस्ट 10 मार्च को खेला जाएगा। ये जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होगी 2 मार्च से। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हवाले से। बीसीसीआई की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 6 खिलाड़ियों ने जो यूओ टेस्ट दिया है और उनसे वो यूओ टेस्ट से फेल हो गए हैं। अगर बात की जाए राहुल तिवारी, इसके अलावा संजू सैमसन, नितेश राणा जैसे खिलाड़ियों को वो 2 किलोमीटर जो अब बीसीसीआई ने रखा है वो उनको उन्होंने पूरा नहीं किया और वो फिटनेस टेस्ट से फेल हो गए हैं। अब ये भी कन्फर्म हो चुका है कि वो 12 मार्च से होने वाले T20 सीरीज़ में खेलते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी तय नहीं है। लेकिन इन 6 खिलाड़ियों ने जो यो टेस्ट है वो पास नहीं किया है। और चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। की बड़ी खबर, बीसीसीआई ने चिपॉक्स की स्टेडियम में जहां पर पहला टेस्ट खेला गया था उस वहां का जो पिच क्यूरेटर था, जो पिच वीच बनाते हैं, उनको सस्पेंड कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो भी पिच क्यूरेटर थे उनको सभी रिमूव कर दिया गया है, उनको सस्पेंड कर लिया गया है और वहां पर नए पिच क्यूरेटर नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और पांचवी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है जोस फिलिप के हवाले से। वक्त की बड़ी खबर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जोस फिलिप के मुताबिक वो एबी डिविलियर और विराट कोहली के जिस तरह एबी डिविलियर और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है उसी तरह का क्रिकेट वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है और उन्हीं की तरह से वो उनको मकसद है कि वो उन्हीं की तरह क्रिकेटर बन जाए और बहुत ही बेहतरीन तीनों फॉर्मेट के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते हैं। ये कहना है जोस फिलिप का। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी जो वीडियोज़